बच्चा चोरी के शक में मनावर में मॉब लिंचिंग के दौरान हुई मजदूर की हत्या ने सियासी रंग ले लिया है। हत्या के बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आरोपियों पर सख्त कार्यवाही के आदेश दिए थे। घटना में भाजपा नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं। इस बारे में पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का कहना है कि कोई भी घटना का राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, मनावर में जो हुआ है वह नहीं होना चाहिए, ऐसी घटनाएं समाज के लिए घातक है। कोई भी घटना होती है उसका तुरंत कोई भी राजनीतिकरण ना आप करो ना मुझसे अपेक्षा करो। ये कहीं ना कहीं समाज की मानसिकता भी बदलनी पड़ेगी। जिस तरीके से ये हुआ, हमारे यहाँ होता है गांव में, मैंने देखा है कि मजदूरों को लाते हैं और उनको इकट्ठे पैसे इसलिए देते हैं कि उनका परिवार वहाँ चले, तुम हमारे यहाँ काम करो। ये पहले से होता है, कई बार होता है मजदूर पर निकल जाते हैं, फिर कुछ काश्तकार किसान ढूंढने जाते हैं कि भैया पैसे तो ले गए, काम तो पूरा कर, वॉट एवर इट, ये होता आया है। मगर अब ये जो प्रवृत्तियाँ हो रही है उसको हमने देखना पड़ेगा। और बात ये भी होती है, समाज को भी मैं कहूँगी कि एकदम पे समाज उतारू हो रहा है और गुस्से में ही आ जाता है कुछ छोटी मोटी बात पर, तो कहीं ना कहीं पुलिस के काम पे संतुष्ट नहीं है। पुलिस वालों को सतर्क होना पड़ेगा, प्रशासन को सतर्क होना पड़ेगा, लेकिन हमें भी समाज की चिंता करना। मैं इसलिए ये जो कलावीतिका और ये जो बना रही ना, मेरा अपना एक भाव है